ये देख सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ी की हालत है, ये इसका जो आगे फ्रंट गेट जो है ये यहाँ पे बिल्कुल टूटा पड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ी की हालत है, तो गाड़ी इस तरफ टकराई है, ये गाड़ी खड़ी है और ये इस तरफ टकराई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में चार लोग थे और चार दोस्त थे। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये तिलक नगर की तरफ जाने वाला रोड है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, और आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। ये आप गाड़ी की इस समय आप हालत देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहां पे टकराई है और आगे का इंजन जो है ये पूरा, ये देखिए ये पूरा यहाँ पे टूट चुका है। ये यहाँ पे ये पटरी पे टकराई है, और ये गाड़ी किस तरह से आ रही थी आप देखें कि क्योंकि रास्ता इस तरफ से है, और ये गाड़ी इस तरफ से ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ी तेज़ी से कोई गाड़ी चला रहा था और एकदम से ये गाड़ी घूमी है और यहाँ पे टकराई है। हाँ जी, क्या जानकारी है आपके पास? कुछ भी नहीं है। हाँ जी, इससे टकराई है। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि ये पेड़ से ये गाड़ी टकराई है और ये पूरी घूम गई है यहाँ पे गाड़ी। और यहाँ पे तो आपको कोई जानकारी है कि कैसे हुआ या क्या हुआ? कोई जानकारी हो किसी को? तो देखिए यहाँ पे फिलहाल कोई जानकारी नहीं आ रही, और ये यहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। मुझे इसकी सूचना मेरे रिपोर्टर हेमंत कपूर ने दी थी, और जैसे ही मुझे पता लगा मैं यहाँ तुरंत पहुँच गया। तो आप देख सकते हैं कि ये चेक पोस्ट के पास ये दुर्घटना हुई है। हेमंत, एक्सीडेंट के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? मैंने एक्सीडेंट जब देखा था तो गाड़ी ना एक्सीडेंट से साइड में जाके गिर गई थी, मतलब पलटी घूम गई थी। अच्छा, गाड़ी आ रही थी अपना तिलक नगर की तरफ, जनकपुरी साइड में जा रही थी। अच्छा, वहां से फुटपाथ के बाद सीधा पेड़ में जाके लगी गाड़ी। अच्छा, और जैसे पेड़ में लगी गाड़ी तो एकदम गाड़ी घूम गई। अच्छा, हाँ जी। तो और काफी आगे का काफी, और जो अंदर थे उनका तो पता नहीं, उनको हॉस्पिटल ले गए थे। एक्चुअली मैंने ये केस देखा था 8 बजे करीब, मैंने देखा था, ये काफी रश लगा हुआ था वहाँ पे। अच्छा, तो हाँ जी, लोगों से आपने बातचीत की तो लोग क्या बता रहे थे कि क्या वजह हो सकती है? जी, लोग मेरे को ये बता रहे थे उन्होंने कुछ ड्रिंक वगैरह की हुई थी, और जब उनको पकड़ के हम निकाल रहे थे ना तो वो कह रहे थे कि भी ओए क्या कर रहा है, मतलब इस तरीके से वो टॉकिंग कर रहे थे। अच्छा, कि एक तो मदद कर रहे थे, वो डांट भी मार रहे थे। अच्छा, ऑब्वियसली उन्होंने नशा वगैरह कुछ किया हुआ था, और मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी गाड़ी के अंदर वाइन शॉप वगैरह देखी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये एक तरह का ड्रंकन ड्राइविंग का मामला बनता है। हाँ जी, मैंने वहां पे भी पता किया था, सामने हॉस्पिटल है। हाँ जी, पेशेंट कैसा है? अमर लीला अस्पताल है सामने। हाँ जी, बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है। हाँ जी, तो मैंने वहां पे भी कंफर्म किया था कि पेशेंट कैसा है, मतलब आपके हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भी हमारे यहाँ पे आया था, हमने पट्टी पुट्टी की थी, बंदा थोड़ा सा ठीक है, ठीक हो जाएगा, मगर उसमें चोटें काफी आई है, उन्हें रेफर किया बड़े हॉस्पिटल के लिए, उनको बड़े हॉस्पिटल लेके गया। हाँ, वो लोग बता रहे थे कि उसको पहले कालरा हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर उसके बाद दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया, और फिर उसके बाद अब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में दाखिल है। ये कुछ जानकारी है सर आपको, ऐसे हुआ कब हुआ ये हादसा? हमारे यहाँ तो वो मालूम है। हाँ जी, सुबह के टाइम हुआ है या सुबह हुआ। अच्छा, कोई ये बता रहा था कि सुबह हुआ है। सुबह था। और क्या गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी क्या? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। हाँ जी, हाँ जी, ये हम सब नहीं कह सकते, आपके जानकारी में नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप सर कुछ जानकारी रखते हो इसमें? तो देखिए इनके पास, लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, तो आप
देख सकते हैं कि गाड़ी की जो हालत है वो कितनी, ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा इसका ये सारा टूटा पड़ा है और यहाँ पे ये पेड़ से लगता है गाड़ी टकराई है। और यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये यहाँ पे विजय सर चेक पोस्ट के पास है। कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इसमें चार लोग थे जो जख्मी हुए हैं और जिनकी हालत अभी सीरियस है और उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया है। आपको कोई जानकारी है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं सर, ये मॉर्निंग में हुई है, डिवाइडर पार करके ही उधर लेके फिर पेड़ में लगी। कौन सा डिवाइडर पार करके? ये डिवाइडर पार करके गाड़ी इधर आई, मतलब उधर से गाड़ी आ रही थी। जी उधर से आ रही थी और ये डिवाइडर पार करके यहाँ पे ये टकराई है गाड़ी। जी तो कितने लोग थे इसमें? कुछ है इसके अंदर चार लोग थे। तो वो चारों क्या जख्मी है, मतलब कहाँ ले गए हैं? सीरियस हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कितने बजे का समय होगा? सुबह 6:30 की बात है। 6:30 के बजे। तो क्या ड्राइवर ने कोई ड्रिंक वगैरह की हुई थी, कोई जानकारी वगैरह हो? जी तो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। जी ठीक है, धन्यवाद। ये गाड़ी जो है ये इधर तिलक नगर की साइड से आ रही थी और तिलक नगर से आते हुए ये जो पटरी है इस पटरी से ये गाड़ी इधर आई और यहाँ पे ये गाड़ी जो है ये यहाँ पे टकराई है और यहाँ पे एक्सीडेंट। सच न्यूज़ 24/7 से प्रदर्शक अशोक अरोड़ा की रिपोर्ट, हेमंत कपूर के साथ। नमस्कार।